मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु लोकसभा सीट से सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग को आने वाले 10 सालों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की राय एवं संवाद विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर आने वाले सालों में किस तरह सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाए, इसके लिए सरकार ने बोधिसत्व विचार श्रृंखला कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके अनुभवी लोगों से सुझाव ले रही है। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि 25 साल में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए विकल्पों रहित संकल्प के मंत्र के साथ सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज हमारे बीच में सीएम साहब, अभी हम लोग इनको सुन रहे थे, पूरे भारत में सबसे युवा नेता के रूप में और सबसे छोटी आयु के सांसद और हमारी पार्टी के सबसे छोटे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एक कुशल वक्ता और जिन्होंने बहुत कम समय में पिछले 3-3.5 साल पहले वो स्वयं एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के जैसे जगह जगह पर पोस्टर लगाने का काम, जगह जगह रैलियां आयोजित करने का काम करते रहे थे और आज पूरे देश के अंदर युवाओं का नेतृत्व तो कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी वक्ता श्रीमान तेजस्वी हमारे सूर्या जी, मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सब लोग आकर पूरी बाइक रैली में जिस प्रकार का मैंने उत्साह देखा, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारा ये प्रदेश, ये युवा प्रदेश अब एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अब मुझे आप लोगों की ऊर्जा देखकर ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प थे उन्हें अब सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ऐसे युवा है, इनको जोश आ रहा है, तो आप इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और आप सब लोग, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहन है, हमारे नौजवान साथी यहाँ आए हैं, सारे के सारे आप ऐसे युवा है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और किसी कवि ने लिखा है, आप जैसे सभी युवाओं के लिए छाकर तुम अब आसमान में सूरज सा यूं प्रकाश करो, जन जन को दे ऊर्जा, पृथ्वी को प्रकाशमान करो। जिस प्रकार से आज देश के अंदर मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो युवा शक्ति पर भरोसा है। हमारी सरकार ने कुछ निर्णय नौजवानों और युवाओं के लिए दिए हैं। पहला निर्णय हमने, जिस दिन मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया,
पहले दिन सबसे पहला एक निर्णय लिया हमारी कैबिनेट ने कि जितने भी सरकारी पद सरकारी भर्तियां जो होनी है, जो पद खाली है, उन पर हम तत्काल भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और उस समय 24,000 ये पद थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं, हम जब सब विभागों को खंगाल रहे हैं, अब सारे विभागों को देख रहे हैं, तो अभी 1734 पद हम पुलिस में, जो पिछले 5 सालों में 6 सालों में जो भर्तियां नहीं हुई थी, हमने उन पदों को भी निकालने का प्रारंभ कर दिया है। 1734 पद अभी हमने और खोजे हैं। इसी प्रकार से हमने सहकारिता में निकाले, जितने बैकलॉग है उन बैकलॉगों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके साथ साथ जितने भी आवेदन पत्र भरे जाने हैं इस साल में और अगले साल में, जितने भी आवेदन पत्र भरे जाएंगे, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में कोई फीस नहीं देनी होगी। सारी परीक्षाओं के फीस हमने निःशुल्क कर दिया है। इसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर अगर आने वाली परीक्षाएं हैं, आईएएस की, पीसीएस की, एनडीए की, सीडीएस की, ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में अगर किसी के माता पिता के पास उनको पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो उनको किसी को देखना नहीं है, उनके लिए 50,000 रुपए की व्यवस्था अब हमारी सरकार करेगी। ये हमने व्यवस्था की। पिछले साल परीक्षाएं नहीं हो पाई बहुत सारी, उन परीक्षाओं के कारण से हमारे सभी नौजवानों का, युवाओं का समय खराब न हो। एक साल जो है कोरोना महामारी में बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई, हमने कहा है कि हम ऐसे अपने भाई बहनों का एक साल का समय खराब नहीं होने देंगे, हमने इनसे भी सारी परीक्षाओं का एक साल की समय सीमा बढ़ा दी है। इसी प्रकार से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जिनकी फीस 4 लाख 4.5 लाख रुपए जाती थी, हमने तय किया कि हम एक आम आदमी का बेटा, सामान्य आदमी का बेटा भी अगर उसके अंदर योग्यता क्षमता है, तो हम सबसे न्यूनतम जितनी फीस हो सकती थी 1,45,000 हमने फीस निर्धारित की है। डॉक्टरों का जो स्टाइपेंड था, जो एमएस और एमडी करते थे, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि उनको अगर आगे पढ़ाई करनी है, एमएस करना है, एमडी करना है, तो अब 7,500 रुपए इस महंगाई के जमाने में बहुत कम है। हमने उनकी जो है स्टाइपेंड को बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के मेले लगा रही है, और रोजगार के मेले ही नहीं लगा रही है, जो ऋण लेना चाहते हैं, जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, वो घूमते रहते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ये फार्म नहीं है, वो फार्म नहीं है, तमाम प्रकार से बैंक भी आनाकानी करते थे। हमने कहा अब ये परेशानी नहीं होगी, प्रत्येक महीने SLBC की जो बैठक होती है, उस बैठक को मैं स्वयं उसकी समीक्षा करता हूं। हमने कहा है कि जितने भी बैंकों में फॉर्म भरकर आएंगे, उन सारे फॉर्मों पर उनको बैंकों को ऋण स्वीकृत करना पड़ेगा। हमारे नौजवान रोजगार से जुड़े, उसके लिए हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं जो आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता बनाकर काम करती हैं, ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती हैं, उनके लिए हमने 5 लाख तक रुपए का ऋण और 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की है। 2 सेंटर आजीविका मिशन के तहत काम करने वाले लोगों के लिए, मैं अभी अल्मोड़ा गया था 2 दिन पहले, हवाल बाग में आजीविका मिशन के तहत क्यूरीवेटर्स का सेंटर खोल दिया गया है, और उस सेंटर में चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हों, चाहे होम स्टे करने वाले लोग हों, उन सबको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करी गई है। दूसरा सेंटर हमारा इसी पौड़ी जिले में कोटद्वार में ये सेंटर खुल गया है, और उसके बाद हमारा ये नियमित रूप से क्रम चलेगा कि आगे चलकर ये सेंटर प्रत्येक जिले पर खुले और हर जिले में लोगों के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं कि पलायन रोकना है, यहां पर रोजगार देना है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं।
जिला रोजगार कार्यालयों को जिले की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, ताकि जितने भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं उनको उन्हीं के जिलों में काम मिल पाए। सरकार के द्वारा नियमित रूप से राज्य के अलग अलग शहरों में रोजगार के मेले लगाए जा रहे हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये रोजगार के मेले केवल औपचारिक रूप से नहीं लगाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा प्रतिभा उत्तराखंड के विकास में अधिक से अधिक योगदान दें। इसलिए हम रोजगार के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नौजवान केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। हम उस दिशा में उनको ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए पहले दिल्ली वाला परिवार और फिर अपना परिवार प्राथमिकता था, राज्य की जनता उनको एक बार फिर सबक सिखाने के लिए तैयार है। आज कांग्रेस के लिए न तो ये प्रदेश कभी प्राथमिकता में रहा है और न ही यहां के युवा, न ही यहां के युवाओं का रोजगार। आज चुनाव को नजदीक आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके द्वारा की जा रही है। आज उत्तराखंड का ये युवा तय कर चुका है कि उसको चुनावी प्रॉब्लम नहीं, विजन के साथ बनाया गया विकास का रोड मैप चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमारी ये सरकार तैयार कर रही है। अगले 10 सालों का रोड मैप हमारी सरकार तैयार कर रही है। हम रोजगार देकर, उचित अवसर प्रदान करके इस प्रदेश को और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड का स्वाभिमानी युवा आज भत्ते की बैसाखी नहीं, संभावनाओं की झांकी से अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहता है। आप लोग ही बताइए, जिनका स्वयं का युवराज हमेशा बेरोजगार रहने की कसम खा चुका हो, वो दूसरों को रोजगार देने का काम क्या करेंगे? मुख्यमंत्री ने बिरला कैंपस श्रीनगर में आयोजित ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों हित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी ने कोरोना काल में बेहतर कार्य किया है, उन्हें सरकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित कर रही है। ये भी कहा कि पंचायती राज व्यवस्था और सुदृढ़ हो, इसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। समस्त ग्राम सभाओं में ओपन जिम हेतु शासनादेश जारी कर धन आवंटित कर दिया गया है, जिसके तहत हर ब्लॉक के पिता शेर सिंह धामी और माँ कृष्णा धामी के पुत्र पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की बागडोर उस समय सौंपी गई जब राज्य की स्थिति डामाडोल। ऐसे में पार्टी आला कमान की तरफ से पुष्कर सिंह धामी का नाम आना सत्ता के गलियारे में नई चर्चा जुटा गया। उत्तराखंड की बात छोड़ दें तो बाकी जगहों पर धामी के नाम से लोगों का कोई परिचय नहीं, एकदम नया नाम के रूप में। मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी। सब जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और एक बड़े तबके के लिए ये आमदनी का जरिया भी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री धामी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जिनके इरादे इतने बुलंद हो कि प्रधानमंत्री तक उसकी दाद देते हो, उन्हें मुश्किलें धता कैसे बता सकती है। वो तो मुश्किल घड़ी में अपना हुनर दिखाने के लिए होते हैं। हमने मुश्किलों में धामी का हुनर देखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने की बात हो या फिर आपदा से निपटने का मामला, हर वक्त इन्होंने तटस्थ रहकर दिखाया है। और आज मैत्री की राह बताने को, सबको सुवार पर लाने को, एक नया उत्तराखंड बनाने को मुख्यमंत्री आपके समीप खुद आए हैं। आइए एक नए और सुंदर राज्य के निर्माण में एक हो जाएं। आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, और थोड़ा आज हम लोगों को लेट भी हो गए। हम सभी लोग उत्तराखंड के सतत विकास के लिए काम कर रहे हैं, इस हेतु मैं चाहता था कि आप सबके सुझाव हमें किसी न किसी रूप में मिले। इसको लेकर हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम बना रहे हैं, और
मैं जानता हूं क्योंकि लंबे समय से आप लोगों की जरूरत थी, मांग थी कि आपका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने कोशिश की और मैंने ये भी कहा ग्राम प्रधानों का, अभी बीच में दो जगह पर सम्मेलन हुआ था, एक देहरादून में और एक रुद्रपुर में, दोनों जगह पर हमने कहा कि चूंकि जितना भी समय मुझे मिला है मैंने कोशिश करी है, क्योंकि आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं जो सीधे सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करवाने का काम करते हैं और जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम भी आप लोग करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं। और सबसे ग्रामोदय हो या ग्राम सभा हो, हमारी पंचायतें हों या समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सभी को, उन सबके बीच में और सरकार के बीच में सेतु का कोई काम करता है तो आप सब लोग करते हैं। मैं आप सभी का एक ग्राम प्रधान के रूप में, आपकी जिम्मेदारियां काफ़ी अहम है और राज्य का विकास किस गति से आगे बढ़ेगा यह आप सब लोग भली भांति जानते हैं। इसको लेकर हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है, विचारों की श्रृंखला, और इस विचारों की श्रृंखला के माध्यम से ये हमने सुनिश्चित किया है कि जितने भी हमारे जैसे नीति आयोग के लोग हैं, भारत सरकार के वैज्ञानिक हैं, भारत सरकार के सलाहकार हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है, अलग अलग तरीके से अपनी विशिष्टताएं दी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने हमारे उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम किया है, उन सभी को मैंने आमंत्रित किया और उन सबको आमंत्रित करके पिछले दिनों हम 3 कार्यक्रम ऐसे आयोजित कर चुके हैं। हम चाहते हैं, हमारा एकमात्र ध्येय है कि हमारा राज्य, जब हम 25 वर्ष के हों, आज हम 21 वर्ष के हैं, और जब हमारा राज्य 25 वर्ष का हो तो हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने। उसको श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी के सुझाव उसमें आए, क्योंकि मनुष्य एक विद्यार्थी और शिक्षार्थी के रूप में संपूर्ण जीवन भर विद्यार्थी रहता है, वो सीखते रहता है, सीखते रहता है। मैंने भी मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 से काम करना शुरू किया, तो मेरे मन में यही भाव है कि हम सब लोग मिलकर इस उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएं। हर क्षेत्र में हमने सभी विभागों को पत्र लिखे, सभी विभागों को हमने कहा है कि अपना एक रोड मैप बनाकर दीजिए, एक अपना विजन दीजिए कि पर्यटन विभाग में क्या हो सकता है, कृषि में क्या हो सकता है, उद्यान में क्या हो सकता है, चिकित्सा शिक्षा में क्या हो सकता है, रेवेन्यू में क्या हो सकता है, बिजली विभाग में क्या हो सकता है, हमारा गृह विभाग किस प्रकार से काम कर सकता है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, चिकित्सा की व्यवस्था क्या होगी, हमारी कृषि कैसी होगी, हमारी उद्योगों की नीति क्या होगी। सभी जब उसमें सबका एक व्यू आएगा, सबका एक विचार आएगा, तो उसके आधार पर सरकार अपने कार्यक्रम बनाएगी। ऐसे ही आप सब लोग, चूंकि जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जैसा अभी धन सिंह जी ने भी बताया कि एक बार ग्राम प्रधान बनना तो मुश्किल है ही है, जो दूसरी बार बनता है वो उससे ज्यादा मुश्किल है, और जो तीसरी बार बनता है मैं समझता हूं कि वो तो सर्वगुण संपन्न होगा, तभी बनेगा। नमस्कार, हमारे साथ हैं जिला मनरेगा सदस्य सचिव श्री हरेंद्र सिंह कोहली जी। आप जो हैं ग्राम प्रधान पावों के प्रधान भी हैं, तो किस तरह से शासन का आपको सहयोग मिल रहा है योजनाएं चलाने के लिए? देखो सर, केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं दी हैं वो धरातल पे इस समय आ चुकी हैं, और हमारी सरकार प्रत्येक ग्राम सभाओं में जो विकास कार्य हैं उनके बारे में हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने इस
कोविड काल में हमको यहाँ पे सम्मानित बुलाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज हम उनको तहे दिल से अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमारे ग्राम सभा के उन प्रधानों को आज यहाँ पे सम्मानित किया है जिन्होंने कोविड काल में अपना पूरा 100% दिया था। आप लोग भी इधर से ही हैं? ग्राम पाबो। आप क्या हैं मतलब? मैं ग्राम प्रधान। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं, कौन सी ग्राम प्रधान? ग्राम छानी। छानी पाबो। अच्छा, पाबो ब्लॉक में। तो क्या क्या योजनाएं चल रही हैं आपकी? सर हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों सरकारों से जो भी योजनाएं धरातल पे हो रही हैं, हम उसके हमारे युवा पीढ़ी के लिए जो वो काम कर रहे हैं, हम उसके समर्थन में उनके साथ खड़े हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम ग्राम प्रधानों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करते हुए आज हमारा सम्मान किया गया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। जी, मानदेय भी दिया गया है? हाँ जी, हमारा मानदेय भी 1500 से बढ़ा के 3500 की घोषणा की गई है। जी, अच्छा, और आप लोग भी साथ में ही होंगे, पापों से ही होंगे? अच्छा अच्छा, तो कैसा लगता है आपको, कैसा काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? सर हमको तो बहुत अच्छा लगता है, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले 2022 में भी हम इसी सरकार के साथ ऐसे ही समर्थन पे बने रहें, और अपने आने वाले समय में हम अपनी सरकार का पूर्ण सहयोग देंगे। जी, तो आपको लगता है कि सरकार दोबारा आएगी क्या? सर कोशिश अगर करेंगे तो हो सकता है 100% सर आएगी, क्योंकि काम ही अच्छे हो रहे हैं। मानदेय बढ़ गया, भोजन मातों का मानदेय बढ़ गया, आशों का मानदेय बढ़ गया, हमारे पूरे क्षेत्र में विकास की लहरों से ऐसे काम हो रहे, व्यवसाय कॉलेज बन गए हर जगह, विद्यालय पूरे क्षेत्र में, मतलब पूरे जिले की बात करूं मैं तो सब खुश हैं सर। और इस समय इस विकास की लहर में विकास पुरुष का साथ देने है, माननीय मोदी जी ने भी अपना पूरा आशीर्वाद उत्तराखंड के लिए दे रखा है। हम उनको तहे दिल से अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं कि जो हमारे इस देवभूमि में आज इतनी सुरंगें, ट्रेन, मेट्रो और ऑल वेदर रोड से लेके और इतने सारे काम किए जा रहे हैं उनका। मैं पूरा जिला मनरेगा सदस्य सचिव जिला पौड़ी की तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।